कल हम सपना देखे कि छत पे हम दोनों स्वागत मना रहे थे। वाह बेटा, अभी तो ब्याह भी न हुआ, पति का सेवा करना शुरू। हमको चेस में ना घोड़ा बहुत पसंद है और बहुत स्ट्रांग भी होता है, मर्दों से भी ज्यादा। आपको पता है गधे का ना घोड़े से भी बड़ा होता है। अरे आप आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं प्यास लगी है। किचन तो वहाँ है पानी। अरे मुझे तन की प्यास बुझानी है, पर वो सिर्फ आप बुझा सकती हैं, आपके पानी पिलाने से बुझेगी। क्या मतलब? जी मतलब मैंने आपको आज सुबह अपने हाथों से अपनी प्यास बुझाते हुए देखा और आप भी बिल्कुल मेरी तरह प्यासी हैं। आप ना अभी जाइए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जाइए। गड़बड़ हो जाने दीजिए। और इस तरह से हमने हम दोनों के जिस्म की प्यास बुझा ली और अपना नाम सार्थक कर दिया। अरे वाह मक्खन भैया, आपकी कहानी सुनकर एकदम आनंद आ गया। हाँ मक्खन भैया बिल्कुल, आज की रात हमारी ना बहुत ही मजे से कटेगी और एक दो बार मामी के बारे में भी सोच के समझ गए ना? हम समझ गए। अबे निकलो अब यहाँ पर, जरा ठरक मत मचाओ, निकलो। चलो 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 चल दो भैया, चल चलो चल यार, गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी यार, चल। लेकिन बड़ा मजा आया। हाँ जाओ, ये फ्री का पान खाने के चक्कर में ये दोनों चूतियों को झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। पर बताएं, फ्री का पान खाने में बड़ा मजा आता है। अब चलते हैं मामा के घर, उन दोनों ने हमारी शादी सुंदरी के साथ तय की हुई है, जाके शादी के मजे लिए जाएं। इतना टाइम हो गया, मक्खन अभी तक नहीं आया। अरे हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। चलो आता ही होगा।
चिंता की बात नहीं है। अरे ये देखो, आओ बेटा आओ आओ। पाए लग मामी जी। हाँ, खुश रहो बेटा। कितने बार बोला है ना, मामी का पैर नहीं छूते मामा गरीब हो जाएगा। अरे मामी जी बचपन से पैर छूते आ रहे हैं, अभी तक तो मामा गरीब नहीं हुए। अरे भांजे, गरीब होने के लिए अमीर होना पड़ता है, और तुम्हारा मामा शुरू से ही गरीब है। अरे तुम तो सुबह आने वाले थे। हा? अरे मामा जी कहा बताए, वो ट्रेन है लेट है। अरे यार ये इंडिया की ट्रेन ना कभी सही टाइम पे नहीं आती है। अच्छा आप लोग बातें करिए, चलो हम अंदर चलते हैं। ठीक है मौसी। और बताओ कैसा रहा सफर? अरे सब कुशल मंगल मामा जी, आप बताइए। अरे चलिए चलिए। अरे बस सुपर वाले की कृपा है बेटा, सब अच्छा चल रहा है। सेहत और पे ख्याल रखा करो, बड़े दुबले पतले हो गए। अरे मामा जी का बताएं बस। इस रूम में आराम करो, तब तक मैं तुम्हारा कमरा साफ करवा देती हूँ। वैसे भी तुम सुबह से थक गई हो, तो हाथ मुंह धो के आराम करो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है मौसी। वैसे भी तुम ब्याह के बाद पूरे एक महीने बाद आई हो। हाँ वो तो है मौसी। क्या हुआ सुंदरी, तुम इस ब्याह से खुश नहीं हो क्या? नहीं मौसी, हम बहुत खुश हैं। अच्छा ठीक है, आराम करो। आजकल देखो यार क्या जमाना चल रहा है, सब तरफ इतना करप्शन है यार भाई। सही बात। कल ही मैं वहां गया था पान वाले के पास, 2 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। बताओ कैसे चलेगा ये सब? अरे मक्खन, क्या तुम भी जाके कमरे में आराम करो, हम वहीं पे चाय पानी भिजवाते हैं। जाओ जाओ। हैं? ठीक ठीक ओके। ठीक है ठीक। लड़का बड़ा हो गया। अजी सुनते हो, इन दोनों को देख के ऐसा नहीं लगता है कि ब्याह से खुश हैं। अरे कैसी बात करती हो, चलो मौका मिलेगा मैं मक्खन से पूछ लूंगा। फिलहाल तुम जाके जल्दी से खाने पीने की तैयारी करो। अच्छा ठीक है। हाँ जाओ। भांजे पानी मिलाओ। बस लो। और बताओ भांजे का हालचाल है? सुंदरी से ब्याह करके तुम खुश हो कि नहीं? अरे मामा, ये ब्याह करके हमारी जिंदगी के लोड़े लग गए। अरे काहे, का हुआ? अरे का बताएं मामा, ब्याह के बाद हम सुहागराती नहीं मनाए। तुम तो हमारा नशा उतार दिए भांजा, विस्तार में बताओ जरा। तो मामा विस्तार में सुनो, सुहागरात वाले दिन हम कमरे में बैठे सुंदरी का इंतजार कर रहे थे, आज हमारी सुहागरात है, बहुत मजा आएगा। अरे दूध का ग्लास नहीं लाई? काहे, आज कोनो नाग पंचमी है का जो आपको दूध पिलाए? अरे आज आज हमारी सुहागरात है, सुहागरात को कहते हैं कि दूध लेकर आते हैं। छोड़िए, अभी काम कर रहे हैं, छोड़िए हमें। आज तुम्हारी सुहागरात है ना? कोनो सुहागरात वागरात नहीं है। और ना आप हमें टच मत करिए, हमें बिल्कुल पसंद नहीं कोई मर्द हमें टच करे। अरे ये क्या बात कर रही हैं आप, हम तुम्हारे पति हैं और हमारे अलावा कौन टच करेगा तुम्हें, हैं? सुनो ना। देखो हमारे साथ जबरदस्ती मत करो, नहीं तो हम ना चिल्ला चिल्ला के मोहल्ले वाले को और सबको बता देंगे, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। अरे इका बकवास है, ब्याह से पहले तो सब नॉर्मल था, तुम्हें तुम्हें अचानक क्या हो गया? एक काम करिए, आप ना हमें बहन समझ लीजिए। क्या बकवास है, बहन बहन समझ के? अरे ब्याह किया है तुमसे हमने, ब्याह से पहले तो हमारे बीच जो कुछ हुआ वो बहन समझ के किया क्या? ज्यादा सोचिए मत, ठीक है?
आप ना एक काम करिए, चुपचाप से सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। अरे सुना, आपको समझ नहीं आ रहा है, सो जाइए चुपचाप से, नहीं तो हम चले जाएंगे बाहर। तमाम इस तरह से हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई। भांजे तुमने कभी ट्राई नहीं किया क्या दोबारा? अरे मामा तुमको क्या लगता है, हम ट्राई नहीं किए? हम बहुत बार ट्राई किए। अच्छा, पर वो तीन तीन गो चड्डी पहन के रहती है अच्छा। और हमेशा कहती है कि हम तुम्हारी बहन के जैसे हैं अच्छा। अब तुम ही बताओ मामा, हमका बहनचोद है? ये तो बहुत एक गंभीर समस्या है। एक गंभीर समस्या में तुम ही नाम को डाले हो मामा। तुम और मामी दोनों मिलके हमें कह रहे कि ये ब्याह कर लो। तुम घबराओ मत भांजे, इस समस्या का इलाज है हमारे पास। अब हम तुमको देते हैं राम बाण, समझे? ये लो। इका मामा लाओ, हाथ बढ़ाओ, ले ये टैबलेट पकड़ो और इसको सुंदरी को दूध में मिलाकर पिला देना, और फिर वो हमेशा तुमको अपना दूध पिलवाने और पिलवाने के लिए पीछे पीछे घूमेगी, समझे? अरे क्या बात कर, अरे हाँ, ये गोली काम 100% करेगा। मामी को तुम यही खिलाकर नहीं पिलते हो? अरे क्या बात करते भांजे, मामी तुम्हारी ऐसे ही खुद रेडी रहती है, उनको गोली खिलाने की क्या जरूरत है, वो तो हमेशा इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार रहती। हम तो ये गोली बस सिर्फ अपने रिचार्ज और उनको चार्ज करने के लिए खिलाते हैं। तुम खाओ इसको, जाओ। ठीक है मामा, हम चलते हैं। बस बस, अरे लास्ट का मार। अरे यादव बेस्ट प्लान। हाय, रोमांस करने का मूड हो रहा है। काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम कुछ खिची खिची सी रहती हो। वैसे भी इसकी बीवी में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। खैर मेरा पति भी थका हुआ है, मेरे जिस्मों की प्यास यही बुझाएगा।